इधर ईरान ने पाकिस्तान को रगड़ा तो उधर तालिबान ने पाकिस्तान को धोया। मालदीव में मुइज़ू को अपनों ने ही रगड़ा तो निकल गई अल्टीमेटम की हवा। चुपके से चाबहार पोर्ट में ईरान के साथ खेल गया भारत। यूएई में अफगानिस्तान से जुगलबंदी। यूएई में तालिबान की भारत से दोस्ती का नया चैप्टर स्टार्ट। चाबहार में आएगी बहार। इधर बन रहा था राम मंदिर, उधर एक साथ 6 देशों में भारत ने मचा दिया तूफान। दोस्तों, इस वक्त जहां भारत में राम मंदिर का जश्न उफान पर है, तो दूसरी तरफ एक साथ 4 मुस्लिम देशों में भी बवंडर मचा हुआ है। पहला भारत से पंगा लेने वाला मालदीव है, जहां अब विपक्षी पार्टियां अपनी ही सरकार की तावीज बनाने में जुट गई हैं। तो दूसरी कहानी है पाकिस्तान की, जिसको रातों रात ईरान ने ठोंक डाला और अब ये तनातनी चरम पर है। और दोस्तों, इसी दौरान पाकिस्तान के एक और पड़ोसी देश यानी कि अफगानिस्तान से ऐसी 2 खबर है जो पाकिस्तान के लिए किसी नश्तर की तरह चुभ रही हैं और भारत के लिए ये बड़ी गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों, ये जियोपॉलिटिक्स में भारत का अंदर खाने से तगड़ा बवंडर है, जिसमें भारत ने नेपाल और बांग्लादेश में उठ रही आग पर भी पानी डाल दिया। और बहुत ही सीक्रेटली भारत ने ऐसा खेल रचा कि पाकिस्तान की हवा छोड़िए, धुआं निकल गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस ईरान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान लड़ रहा था, उन दोनों के साथ भारत ऐसी डील कर डालेगा जो चीन की तबाही का सामान भी बना डालेगी। दोस्तों, ये पूरी कहानी आपका दिन बनाकर रख देगी, लेकिन यहाँ आपके लिए एक सवाल है कि क्या भारत को तालिबान से दोस्ती कर लेनी चाहिए और क्या भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव की दरकार है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपको सबसे पहले मालदीव में मचे बवंडर से जल्द रूबरू कराते हैं। हुआ कुछ यूं है कि मालदीव की रक्षा, सर्विलांस और मेडिकल सहायताओं के लिए भारत ने हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री प्लेन दिए हुए हैं, लेकिन वहां के चीनी पालतू राष्ट्रपति मुइज़ू ने इस पर रोक लगवा दी। नतीजा ये कि इनसे जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ गईं और मालदीव के लोगों को दिक्कत आने लगी। एक मरीज के मरने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया, तो अब मालदीव की सरकार घुटनों पर आ चुकी है। कुछ दिनों पहले भारतीय सैनिकों को 15 मार्च से पहले मालदीव छोड़ने का अल्टीमेटम देने वाले मुइज़ू की सरकार अब भारतीय सैनिकों को सिविलियन स्टाफ में बदलने की तैयारी कर रही है। ये स्टाफ भारत से उपहार में मिले 2 HAL हेलीकॉप्टर, 1 डॉर्नियर विमान और 1 ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल को ऑपरेट करेगा। हालांकि यहाँ बड़ा मामला ये है कि भारत ने सैनिक वापसी पर कुछ नहीं कहा। और दोस्तों, इस डेवलपमेंट के बीच पाकिस्तान का तावीज बनाने वाली ऐसी गुड न्यूज सामने आई कि राम मंदिर से भी ज्यादा आपको उसमें मजा आ जाएगा। तो पहली बात यह कि पाकिस्तान की सेना और तालिबान के बीच जोरदार भिड़ंत तो हो चुकी है। तालिबानी बॉर्डर गार्ड और पाकिस्तानी सेना के बीच कुनार बाजौर सीमा पर जोरदार गोलीबारी जारी है। बात यह हुई कि पाकिस्तानी सैनिक जबरन डूरंड लाइन पर बाढ़ लगा रहे थे और इस दौरान तालिबानी सैनिकों ने उनका विरोध कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों के नहीं रुकने पर तालिबानी सैनिकों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तालिबान का कहना है कि वे डूरंड लाइन को नहीं मानते जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। वहीं पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान सरकार आने के बाद वे आसानी से अफगान सीमा पर बाढ़ लगा देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। तालिबानी भी लगातार पाकिस्तानी सेना का कड़ा विरोध कर रहे हैं। तालिबान का कहना है कि पेशावर तक का इलाका अफगानिस्तान का है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बंद कर दी गई है, इससे पाकिस्तान का मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार भी नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान ने तोरखम सीमा पर अफगान ट्रक ड्राइवरों से पासपोर्ट और वीजा मांगना शुरू कर दिया, जिससे विवाद बढ़ गया। अब तक सालों से अफगान ट्रक ड्राइवर बिना किसी यात्रा दस्तावेज के पाकिस्तान की सीमा में आते जाते रहते थे। इस तनाव से पाकिस्तान को काफी घाटा हो रहा है। वहीं अफगानिस्तान का भी माल कराची बंदरगाह से आना जाना रुक चुका है। और दोस्तों, इसी आग में घी डालने वाला भारत ने भी काम कर डाला, और वो ये कि तालिबान को मोदी सरकार ने एक खास मौके पर इनवाइट कर दिया है और ये वानगी संयुक्त अरब अमीरात में दिखी है, जहां भारतीय राजदूत ने तालिबान के राजदूत को गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया है। यूएई में भारत के एम्बेसडर संजय सुधीर ने वहां तालिबान सरकार के राजदूत बदरुद्दीन हक्कानी और उनकी पत्नी को अबू धाबी में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह का न्योता भेज दिया है। दोस्तों, ये नया डेवलपमेंट दिख रहा है कि भारत और तालिबान बहुत तेजी से करीब आ रहे हैं, क्योंकि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद भारत के अफगानिस्तान से रिश्तों पर काफी गहरा असर पड़ा था। भारत को अफगानिस्तान में अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट बंद करने पड़े थे। वहीं पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से नजदीकी बना ली थी, लेकिन अब एक तरफ पाकिस्तान और तालिबान जानी दुश्मन बन चुके हैं, तो भारत को अंदर खाने तगड़ा एडवांटेज मिल रहा है। और दोस्तों, इस खेल में एक और देश यानी कि ईरान ने बड़ा गेम कर दिया। आपको मालूम ही है कि ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी पलटवार किया, लेकिन अब तनाव चरम पर आ चुका है। और इस बीच पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि पाकिस्तान असली आतंकी स्थल है, और जो बात भारत कहता है वो सही है।
भारत ने इस मामले में ईरान का खुला सपोर्ट किया। और दोस्तों, इस दौरान भारत ने पाकिस्तान और चीन के बनाए ग्वादर पोर्ट को हमेशा के लिए बर्बाद करने के लिए अंदर खाने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट डील को फाइनल भी कर लिया है। दोस्तों, चाबहार पोर्ट वो मुद्दा है जिसको लेकर पाकिस्तान हमेशा से परेशान रहा है। और जब दोनों देशों के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर पहली बार बातचीत शुरू हुई थी, उसके बाद से ही पाकिस्तान ने हमेशा ईरान के सामने भारत के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर समझौता करने पर आपत्ति जताई है। दोस्तों, चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बना कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसका ओमान की खाड़ी में साल 2003 से ही भारत और ईरान मिलकर इसे डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान के अलावा अमेरिका भी बड़ा विलेन है। लेकिन अब भारत इस मामले में तेजी से आगे बढ़ चुका है। बड़ी बात यह है कि इस परियोजना से भारत और ईरान के अलावा अफगानिस्तान भी जुड़ा है। तालिबान के आने से पहले जनवरी 2016 में तीनों देशों ने बंदरगाह को विकसित करने के लिए एक त्रिपक्षीय आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के आने से काम रुक गया और अब तालिबान से भारत की दोस्ती तेजी से आगे बढ़ रही है। अब इस पोर्ट से एक फ्री ट्रेड जोन, जाहिदान तक 628 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन और फिर ईरान तुर्कमेनिस्तान सीमा पर सिराक्स तक 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे ट्रैक तैयार करने की योजना तैयार की गई है, जो अफगानिस्तान को बड़ा फायदे देगी और भारत के प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, भारत ने नेपाल और बांग्लादेश का भी एक ही झटके में तावीज बना दिया। वो ऐसे कि वहां पर भारत विरोध का तगड़ा मामला सामने आ रहा है। बाकायदा बांग्लादेश में तो इंडिया आउट कैंपेन तक स्टार्ट हो गया था, लेकिन भारत वहां उसकी हवा टाइट करवा चुका है। वहीं नेपाल में राम मंदिर की हवा बनाकर लोगों को अपने पक्ष में करने में भारत कामयाब हो चुका है, क्योंकि भगवान श्री राम का ससुराल नेपाल में है, लिहाजा वहां अब चीन आउट का मामला स्टार्ट हो चुका है। बड़ी बात तो यह कि भारत नेपाल से बिजली लेकर बड़ी डील कर चुका है, जो नेपाल की इकोनॉमी को बूस्ट भी करने वाली है।